बिल्कुल रिवर के बैंक पे बना हुआ है और इसीलिए इसका नाम है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। और सारी लाइट्स वाइट्स ओपन है, ऑन हो चुकी हैं और खूबसूरत व्यू है। बैठ के लोग अपना डिनर या डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तब तक मैं जा रही हूँ बोट राइड पे। रिवर कवाई का ये एडवेंचरस ट्रिप वाकई वर्थ इट है। खूबसूरत सीनिक ब्यूटी ऐसा लगता है हमारा इंतजार कर रही है। अगर आप हैं कंचनाबुरी में या बैंकॉक से डे ट्रिप के लिए कंचनाबुरी आए हैं तो रिवर कवाई का ये लॉन्ग टेल बोट ट्रिप आपको इस शहर की खूबसूरती से रूबरू करवाने की सबसे अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे बोट ट्रिप्स की दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली तो 2.5 घंटे की राइड है जो आपको खाओपून केव, डेथ रेलवे, वॉर म्यूजियम और सिमेट्री भी दिखाती है, जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मारे गए 1750 सैनिक दफन किए गए थे। इस वाली ऑप्शन का प्राइस 800 बाट पर बोट होता है, जिसमें मैक्सिमम 6 लोगों को बिठाया जाता है। इसमें आपको हर स्टॉप पे ड्रॉप ऑफ भी मिल जाता है, जिससे आप वो जगह आराम से घूम सकें। और जो दूसरी बोट ट्रिप है वो सिर्फ 1 घंटे की होती है, जिसमें 30 मिनट जाना और 30 मिनट आना। उसका प्राइस 1000 बाट पर बोट होता है। ये ट्रिप आपको देता है रिवर कवाई के अक्रॉस सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने का एक खूबसूरत मौका। इस वाली ऑप्शन में आप आईएम चैपल, जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट टेंपल है, उस पर भी विजिट कर सकते हैं, ड्रॉप ऑफ ले सकते हैं। और ये जितने भी बोट प्राइसेस हैं, ये पूरी तरह से हमारी बार्गेनिंग स्किल्स और यहाँ पे टूरिस्टी सीजन है या नहीं इस पर डिपेंड करता है। और जैसे ही आप अपनी बोट ट्रिप स्टार्ट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि कंचनाबुरी के जो बेस्ट ऑफ द फ्लोटिंग विलास, बेस्ट ऑफ द फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, बेस्ट ऑफ द फ्लोटिंग होटल्स हैं, वो आपको रिवर कवाई के अक्रॉस दिखेंगे। मोस्ट ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रेस्टोरेंट्स मैंने विजुलाइज किए रिवर कवाई के अक्रॉस, और आई थिंक उन पे विजिट करना वर्थ इट है अगर आपके पास है प्लेंटी ऑफ टाइम और आप आए हो प्रॉपरली कंचनाबुरी को एक्सप्लोर करने, कंचनाबुरी में घूमने। तो इन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स को विजिट करना बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करेगा। इतनी अमेजिंग डेकोरेशंस, इतनी अमेजिंग लाइटिंग, यहाँ से बैठे बैठे देख कर ही मेरा मन कर रहा है कि मैं जंप ऑफ करूँ इस बोट से और वहाँ पहुँच जाऊँ। बट क्योंकि मैंने ली है 1 आवर राइड और इसमें मुझे 30 मिनट्स जाना है और 30 मिनट्स आना है, तो मेरे लिए ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप प्रॉपरली अपना डे स्पेंड करने आए हो, एक प्लान्ड आइटिनरी से विजिट कर रहे हो कंचनाबुरी, तो इन फ्लोटिंग विलास में स्टे लेना और इन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स में लंच और डिनर करने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें।